राइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि जी, बहुत दिनों के बाद जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसी फिल्म आई है, चलो फिल्म आई है थिएटर में, फिल्म देखते हैं, रॉकी और रानी जिस फिल्म का पार्ट है आप, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत ही कलरफुल मूवी है। बहुत दिनों के बाद लोग थिएटर में जा रहे हैं क्योंकि इस तरह की फिल्म आई और लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जिस फिल्म का पार्ट, इस ऐसी फिल्म का अंजलि जी पार्ट है, तो बहुत ब्यूज है अबाउट है, इतना ग्रेट मोमेंट, इतना प्रिविलेज मोमेंट होता है अंजलि जी के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी? जब हम ये मूवी बना रहे थे, जब मुझे पहली बार पता चला कि करण सर मेरा ऑडिशन देखना चाहते हैं, आई थिंक तब से लेके लास्ट मोमेंट दैट आई हैड विद देम वाज कल, कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जहाँ आप भी थे, तो आई थिंक तब से लेके अब तक एक सपने के जैसे रहा है कि मैं अपने आप को बार बार पिंच कर रही हूँ कि ये सच है कि नहीं है। मुझे पहले जब एक कॉल आया, मुझे लगा कि अरे क्या ही होगा, कॉल तो बहुत आते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स देखते भी हैं, पर इट नेवर रियली हैपन्स, वो पार्ट मिलता नहीं है। पर ये हुआ, एंड आई थिंक मैंने उसको बचपन से इतना मैनिफेस्ट किया था, बचपन से मुझे कोई भी कुछ भी बोलता था स्कूल में या कहीं भी, जब मैं बड़ी भी हुई तो मुझे कोई भी कुछ भी बोलता था, भाई एक दिन मुझे करण जौहर कास्ट करेगा और तुम सब देखते रह जाओगे, और यही हुआ। एंड वो मैं मस्ती में बोलती थी, बट अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा बिलीफ था कि ये होना है मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में होना ही है, एंड इसके आगे बस और भी अच्छा अच्छा काम करना है। एंड आई एम सो हैप्पी मेरी लाइफ की स्टेज पे ये हुआ। और हाँ, मैं और क्या कहूँ, इतनी 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 खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, और इस कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा है। मुझे लगा कि ट्रोलिंग होगी, क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, बट मैं अब पूरी सच्चाई के साथ इसे परफॉर्म करूँगी और आगे देखा जाएगा। एंड गायत्री को इतना प्यार मिल रहा है, इतना पूरी मूवी को प्यार मिल रहा है कि हर जगह खुशी और बहुत सारा प्यार है, तो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, आपने ऑडिशन की बात की तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। देन आपको सबसे पहले धर्मा से आई थिंक कॉल आया होगा, तो व्हाट योर रिएक्शन एंड कि ऑडिशन कैसा था आपका, क्या कुछ था, आपने ऑडिशन देकर आप घर आ गए या होप था या आपने होपफुल हो गई कि कुछ नहीं होने वाला, चलो ऑडिशन के दिन आप बताइए क्या हुआ ऑडिशन? तो मुझे शानू शर्मा से कॉल आया और मेरी उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि एक पिक्चर है धर्मा प्रोडक्शंस की और करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो सुन के ही मैं खुश हो गई कि मुझे इस चीज़ का कॉल भी आ रहा है, कि दे इवन कंसिडरिंग मी, कि मेरे लिए यू नो कंसिडर भी कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ का पार्ट बनूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने करण को आपकी फ़ोटोज़ दिखाई है और उन्हें बहुत पसंद आई है, और वो देखना चाहते हैं कि आप एक्टिंग कैसे करती है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, भेजिए, ऑडिशन करते हैं। तभी बहुत अच्छा फेज़ नहीं था लाइफ का, तो वो एक सिंपल सा ऑडिशन भी बहुत भारी लग रहा था मुझे, क्योंकि आप खुश हो उससे पहले नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती है कि यू नो ये शायद ना हो, आप पहले ही सोच लेते हो, दैट इज़ हाउ वी आर। एंड मुझे वैसा नहीं सोचना चाहिए था, बट आई थिंक मैंने वैसे बहुत नेगेटिव सोचा, बट स्टिल दिस केम थ्रू एंड दिस हैपेंड। तो हाँ, मैंने ऑडिशन दिया और करण सोल को पसंद आया, एंड मैं पिक्चर का पार्ट बन गई। आपको पता था कि ऑडिशन मुझे रणवीर सिंह की सिस्टर के लिए दिया जा रहा है या? हाँ जी, किरदार बता दिया गया? हाँ जी, मुझे किरदार, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि किरदार क्या है, ऐसा जो यूजुअली हमें ऑडिशन मिलते हैं ऐसा आता है कि ये ऑडिशन भेज दो, आई सेड पर क्यों है, क्या है, यू नो, इसलिए मैं हमेशा पूछती हूँ कि इज़ इट अ शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन, क्या है ये, कि क्या पैसे आप कितने दे रहे हैं। आई थिंक आप कोई भी चीज़ खरीदने जाए दुकान में, आप पहले पूछेंगे ना कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, क्या है, कितने पैसे रखते हैं इसके लिए। तो आई थिंक हम अपने आप को यहाँ इन वन सेंस बेच रहे हैं फॉर यू नो वी आर द प्रोडक्ट, तो हमें अपने आप को अगर बेचना है तो हमें भी जानना पड़ेगा कि हमें इस काम के कितने पैसे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिज़नेस, या हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए कि अगर हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हमें कैरेक्टर फुलफ़िल करें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात थी कि मुझे शानू जी ने सारी इन्फॉर्मेशन दी, और मुझे पता था कि मैं रणवीर की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, एंड आई डिडंट नो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स कौन थे, बट आई न्यू रणवीर एंड आलिया वर अ पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड हाँ, और आई थिंक वही मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसको मिल जाती है यार, ऐसे ही मतलब यू नो, तो ऐसा
एक साइड से दिमाग कह रहा था कि कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर कि तुम्हें चूज़ किया है, फिर एक साइड से एक दिमाग कह रहा था कि तुम्हें क्यों चूज़ किया है, तुम्हें तो ऐसे ही यू नो, तो वो दिमाग का खेल था जो वो बैटल जो मैं फाइट कर रही थी। पर हाँ आई थिंक ये पिक्चर रिलीज़ होने के बाद भी आई थिंक हम स्टिल वही बैटल फाइट करते हैं कि आई यू स्टिल गुड इनफ। तो आई थिंक लोगों का प्यार मुझे अपनी यू नो अच्छाई की तरफ, अच्छे दिमाग, अच्छे जो दिमाग अच्छा सोच रहा है मेरे लिए उस तरफ लेके जा रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी ने बोला, मेरी स्क्रीनिंग पे मेरा एक दोस्त आया था, उसने मुझे बोला आई थिंक मैंने इससे अच्छी पिक्चर नहीं देखी है कभी ज़िंदगी में। तो आई थिंक किसी एक इंसान को भी आप छू जाओ वैसे तो आई थिंक कितनी बड़ी बात है। जब मैं टीवी भी करती थी मुझे लोग बोलते थे अरे ये वो, तो मैं वही थी नहीं, अगर मैं कर रही हूँ, अगर मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी के इंस्पायर कर रही हूँ और अपना काम बराबर कर रही हूँ, तो आई थिंक अगर एक इंसान को भी उससे फ़र्क पड़ता है, वो टच होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, एक एक टाइम टाइम के बाद वो मैसेजेस आता है इस फिल्म में, लेकिन रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट हैं, आप उनकी सिस्टर बनी हैं, उनके बारे में जब आप पहली बार आप उनसे मिले सेट पर या जहाँ भी जो भी दिखाए गए हैं, तो क्या कुछ था कि आपको उन्होंने जब बताया गया कि ये इस फिल्म में आपकी सिस्टर हैं एंड जब आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया तो कुछ बताना चाहेंगे आप रणवीर एंड आलिया जी के बारे में? रणवीर से मैं मिली करण सर के घर पे, वी हैड अ होल रंधावा फैमिली मीटअप एट करण सर हाउस एंड बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक मुझे मैंने रणवीर को जब स्टार्टिंग में देखा था जब वो आए थे इंडस्ट्री में पहली बार, जब उन्होंने पहली मूवी की थी, तब जब उन्होंने मैंने उनको डांस करते हुए देखा था एवे पे, तभी मैंने रणवीर को भी कहा कि मैंने जब वो देखा परफॉर्मेंस मेरे अंदर का फिल्मी इतना खुश हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट होना एक बहुत बड़ी बात है एंड आई लव दैट उनको इस चीज़ से इतना प्यार है, फिल्मों से एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री उनको इतना प्यार है, क्योंकि मेरी सोच भी वैसी है। और जब मैं उनको इंटरव्यूज़ में देखती थी, कॉफ़ी विद करण पे देखती थी या कहीं भी देखती थी, मुझे लगता था कि ये मेरा भाई है, लाइक यू नो दिस इज़ माई ये मतलब वी आर द सेम, वी आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, वी आर जस्ट लाइक दैट, कि हमें ये बहुत पसंद है ये करना, द शोमैनशिप एंड जस्ट परफॉर्म करना। मुझे भी कहीं स्टेज पे डाल दो जैसे वो मतलब यू नो कि वो जहाँ भी जाता है वो लाइफ एंजॉय करता है, अपनी 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 अपने आर्ट को एंजॉय करता है एंड आई थिंक दैट इज़ द लाइफ आई वांट टू लीड। सो आई थिंक हम दोनों का कनेक्शन इंस्टेंटली हो गया एंड आलिया से मैं मिली सेट पे, मैं और आलिया ऑलमोस्ट सेम एज के हैं और टू सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन उनकी लाइफ और मेरी लाइफ, यू नो वो अपनी लाइफ के सारे मुकाम जो इंसान पा सकता है लाइफ में वो सब क्रॉस कर चुकी है और मैं बस शुरुआत कर रही हूँ, तो इट वॉज सो इंस्पायरिंग टू मीट समबडी लाइक दैट एंड आई होप दैट इन द नेक्स्ट मे बी 5 years मैं भी यू नो वो सारे मुकाम पा सकूँ जो मैंने अपने लिए सोचे हैं। कितने सारे मैसेजेस हैं इस फिल्म में जो आई थिंक हम सिर्फ एक मूवी बना रहे थे, हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सारे मैसेजेस इतना इम्पैक्ट करेंगे लोगों को, वी वर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो वी न्यू कि हम ये मैसेजेस दे रहे हैं बट थ्रू एंटरटेनमेंट, हमें नहीं लगा कि द मैसेजेस विल ओवरपावर द एंटरटेनमेंट और द एंटरटेनमेंट विल ओवरपावर द मैसेजेस, और दोनों आई थिंक ये एंटरटेनमेंट के पैकेज में हमने जो मैसेज दिया है वी हैव रैप्ड इट अप विद अ ब्यूटीफुल बो एंड द वे पीपल आर एंजॉइंग इट, तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा टच कर रहा है। आई थिंक रणवीर का एक सीन है, एक रिव्यू में भी किसी ने कहा था कि ये सारे टॉपिक्स ना पिक्चरों में छिड़ते हैं पर इनके बारे में कभी कुछ किया नहीं जाता, मतलब हम टच करेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मम्मी से ऐसे बात हो रही है, अच्छा लड़की से ऐसे बात हो रही है, अच्छा घबराहट टंगी है मैं जाऊँगा नहीं, पर वो बस एक मोमेंट में के लिए आता है और चला जाता है, बट वो टॉपिक्स को कभी हम आगे उसके बारे में बात नहीं होती, सिर्फ वो टॉपिक्स टच होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आई थिंक इस पिक्चर में
वो टॉपिक्स पर टच हुआ है और उस टॉपिक्स पर डिस्कशंस हुए हैं और अनबैशडली एंड अनअपोलोजिटिकली बेशर्मी से उस टॉपिक को सामने लाया गया है एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। तो लाइक रणवीर ने कहा ना कि मूवी में रॉकी कहता है कि हम ऐसे एक दूसरे को कैंसिल करते रहे तो कोई खुश नहीं रहेगा, यू नो। तो आई थिंक लव है तो सब है, जैसे रणवीर ने कहा, उसने ये लाइन दी थी करण सर को इम्प्रोवाइजेशन में। आई थिंक लव है तो सब है। तो आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये मूवी देती है कि आप प्यार के साथ ऑपरेट करें अपनी ज़िंदगी, दूसरों को आसानी से जज मत करिए एंड प्यार से उनको ट्रीट करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, कि उनके दिमाग उनकी मानसिकता किस लेवल पर अच्छी है या बुरी है। तो आप आई थिंक डोंट बी क्विक टू जज इज द बेस्ट मैसेज दैट दिस मूवी गिव्स। बहुत ही अच्छी बात कही आपकी, एंड क्योंकि आपने बताया कि जिस तरह से आलिया जी आपने फिर सारे के गार्ड फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, किया है, उस लेवल पर आप भी जाना चाहती हैं, वैसा ही काम करना चाहती हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ अगर आप बताना चाहेंगे किस तरह के किरदार का अंजलि जी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है एंड और कितना कुछ काम करना है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। ये आई थिंक मैंने किसी को कल या परसों भी कहा कि ये कैरेक्टर लाइक यू नो लोग कहते थे कि इट्स अ प्लस साइज कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, पर मैंने बोला कि ये कैरेक्टर इज़ नॉट जस्ट अर हीरो और हीरोइंस बेस्ट फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर जो बर्गर खा रहा है, फ्राइज़ खा रहा है, चॉकलेट मिल्कशेक पी रहा है, जो पहले यू नो स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर्स होते थे। यहाँ पर गायत्री स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ और कह रही है बस। तो आई थिंक इन अ वे अंजलि ऑल्सो इज स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ और कह रही है बस, कि अब मुझे ऐसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए और मुझे बहुत वैसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए जो आपको, क्योंकि ये वो बस था गायत्री के लिए नहीं, ये बस था बहुत सारे मैसेजेस और ऑडिशंस जो मुझे आते हैं, नीड फैटी गर्ल, नीड चबी गर्ल, नीड दिस गर्ल, नीड दैट गर्ल। तो आई डोंट थिंक वैसे मैसेजेस मुझे आज के बाद कोई भेजे। नीड एन एक्टर फॉर सो एंड सो रोल, फॉर सो एंड सो पार्ट, दिस इज़ द कैरेक्टर एंड लेट्स वर्क, यू नो, लेट्स नॉर्मलाइज बींग देमसेल्व्स और पिक्चर से कुछ सीख के, यू नो, अगर काम अच्छा है तो वाई नॉट, तो डजेंट मैटर हाउ द पर्सन लुक्स, अगर आपके हिसाब से वो इंसान अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, तो उनको कास्ट मत कीजिए, बट यू नो लेट्स नॉट लिमिट आर सेल्स, अपने आप को लिमिट नहीं करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कितना मज़ा आएगा। लाइक यू नो अगर कोई कुछ डिफरेंट हटके कुछ कर दिया किसी ने, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट कि कोई डायरेक्टर या कोई मेकर हो जिनकी सोच बहुत अलग हो और पूरे स्क्रिप्ट में कहीं इस चीज़ का मेंशन ना हो कि वो इंसान कैसा दिखता है, इसलिए उसको इस पार्ट के लिए लिया गया है, यू नो। तो लेट्स होप कि मुझे ऐसे और मौके मिले जहाँ मैं बस अपनी ज़िंदगी जी के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं इंस्पायर करूँ। बहुत सही बात कही आपने जी, लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारे गलत फॉर्म हैं, उसी तरह प्लीज़ आप पॉजिटिव मोड में उसे लीजिए। उसी तरह हमारी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री ने भी बहुत सारी एक्टर ने ही रूल्स बनाया है कि जीरो साइज एक्टर होना चाहिए एंड कई बार बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आता है कि जब तक आप जीरो साइज नहीं है आपको काम ज़्यादा नहीं, जैसे भूमि पेटनेकर जी ने ही जब आज से पहले इंडस्ट्री में आई थी वो बातें देन उन्होंने अपने अपने आप को जीरो साइज किया है, बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है, जब वो कहती है कि अब मुझे ज़्यादा रोल्स मिल रहे हैं जब से मैंने जीरो साइज किया। इस पर क्या कुछ थॉट होता है अंजलि जी का एंड आने वाले दिनों में क्या कुछ जो बॉडी शेमिंग की बहुत सारी बातें होती हैं हमारे इंडस्ट्री में, अरे वो उसका वेट तो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे हमारे देखिए सच्चाई जो है उसे हम नहीं छुपा सकते। हाँ या सच्चाई जो है आप उसको नहीं यू नो छुपा सकते। आपकी सच्चाई और लोगों की सच्चाई और उनकी सोच वो सब बहुत ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली बाहर आती है। अब बहुत टाइम लगेगा हमें थोड़ा आगे बढ़ने में। अब मेरी कल किससे बात हो रही थी मुझे याद नहीं, पर मैंने एक बात कही कि मुझे ऑब्वियसली आई वांट टू बी फिटर, आई वांट टू लुक बेटर एंड अगर मैं इससे बेटर लग सकती हूँ तो व्हाई नॉट, बट जो रीजंस के लिए मैं करूँगी आई विल स्टिल, मैं 6 फुट की लड़की हूँ, मैं कभी भूमि जैसी नहीं दिख पाऊँगी या किसी और जैसी नहीं दिख पाऊँगी, मुझे ना ही किसी के जैसा दिखना है। अगर कल मैं मेरे लिए
मेरे जैसा दिखना, मुझे नेक्स्ट कोई नहीं बनना, मुझे अंजलि आनंद ही बनना है। जैसे आप अगर देखें कि वेस्ट में एक मॉडल है एशली ग्राहम, उन्होंने अपने लिए एक नीच क्रिएट की है, राइट? अभी वो किसी और के जैसी नहीं है, आप किसी से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई थिंक वैसी एक लेगेसी मैं छोड़ना चाहूँगी इन द फ्यूचर, और अगर कोई समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई थिंक हमारे आइडियोलॉजीज मैच होंगे और मैं वैसा काम कर पाऊँगी। और मुझे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, मुझे ना ही मुझे भीड़ में नहीं खोना है, एंड मुझे एक नीश अपने लिए क्रिएट करनी है। आई थिंक कितने सारे एक्टर्स हैं, नॉट जस्ट बॉडी वाइज, आई थिंक आयुष्मान खुराना जी है जो अपने लिए एक नीश क्रिएट कर चुके हैं। देर इज़ आई थिंक सानिया मल्होत्रा, इफ़ यू गो टू सी, शी हैज़ अ नीश ऑफ रोल्स ऑफ पार्ट्स दैट शी डज, एंड सो ब्यूटिफुली उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट की है, यू नो, एक पाथ जो वो ले रही है। राधिका आप्टे हो गई, कितने लोग हो गए, तो उनकी बॉडी कैसी है, वो दिखते कैसे है, डजेंट मैटर, वो काम कैसा करते हैं, किसी ने वो पकड़ा और किसी ने उसको एक्सप्लोर किया और वो उसके साथ कितनी चीज़ें कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर ट्रोलिंग की बात की जाए, तो अगर इस दुनिया में शाहरुख खान ट्रोल हो सकता है, तो कोई भी ट्रोल हो सकता है। तो आप पतले हो, आप मोटे हो, आप जैसे भी हो, इंसान कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप कैसे भी हो, लोग जज करने वाले हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्हें बहुत ईजी मीडियम मिल गया है कि अपने घर के कोने में बैठ के कोई भी प्रोफाइल बनाओ कोई भी नाम से और लिख दो। पर आई थिंक ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, तो आई थिंक वैसे लोग अगर मिले, सिमिलर माइंडसेट वाले लोग अगर मिले, अच्छा काम करने वाले लोग अगर मिले, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, जैसे आपने इस पिक्चर में देखा। तो वैसे इतने सारे लोग साथ में आए, इसमें भी कोई किसने क्या काम किया है, कौन किसका बेटा है, कौन क्या है, देयर वाज नथिंग, एवरीबॉडी वाज कास्ट परफेक्टली इन दिस फिल्म लाइक वी सॉ, एंड दैट इज़ व्हाई द फिल्म इज़ वर्किंग। तो आई थिंक आपका काम बोलता है, एंड मैं हमेशा उसी चीज़ पर विश्वास रखूँगी कि आपका काम बोलता है और बाकी सब इज़ नॉनसेंस। चलिए, आपका प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ये पूछूंगा, क्योंकि आपने बताया बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो क्रिकेट खिलाड़ी से आप आई हैं, आप कुछ अगर थोड़ा बहुत बता सके कि कौन विनर होगा आपकी यू, क्योंकि आप वहाँ से आई, इसलिए सवाल है, तो अगर आप कुछ बता सके कि मेरे लिए ऑनेस्टली कुछ कहूँ, खतरों के खिलाड़ी, अगर आपने पार्टिसिपेशन करने के लिए हाँ बोल दी है ना, तो आप विनर हैं, क्योंकि जो गट्स चाहिए ना उस शो के लिए, उस शो में जाने के लिए, वहाँ पर जाके खड़े होने के लिए, अगर आप उस प्लेन में बैठ गए और आप चले गए, तो आई थिंक एवरी खिलाड़ी इज़ अ विनर, भले वो फर्स्ट आउट हो या लास्ट। मुझे लगता है कि अगर एक स्टंट भी अगर आपने कर दिया है उस शो में, तो आपको सल्यूट है, बिकॉज आई थिंक एक खिलाड़ी ही जानता है कि कैसा लगता है जब आप उस सिचुएशन में खड़े हो और जब सर 3-2-1 बोल रहे हैं। इट इज़ अ फीलिंग जो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती अगर आप इस शो का पार्ट नहीं हो। आपको पता है कि आप बहुत सेफ हो और आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ होगा नहीं, पर लाइक मेरी मॉम कहती है, बेटा मौत सामने दिखती है, यू नो, वही है, तो है फियर फैक्टर, डर। तो उस डर को ओवरकम करके आई थिंक अगर कोई भी खिलाड़ी अगर वो स्टंट शुरू भी कर देता है और भले एक सेकेंड में अबॉर्ट कर दे, आई थिंक एवरी खिलाड़ी फॉर मी इज़ अ विनर। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपने मुझे टेलीविजन पर देखा है, आपने वेब में देखा होगा, आपने अभी रियलिटी में भी देख लिया, आपने अब मुझे मूवीज में देखा है, तो आप जितना प्यार देंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आप मुझे देखना चाहेंगे तो लोग मुझे कास्ट करेंगे। तो आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल जो प्यार इस मूवी को मिल रहा है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे बहुत दुआ दीजिए ताकि मैं आपको और एंटरटेन कर पाऊँ, और अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है, प्लीज़ ज्वाइन द फैमिली ऑफ लव एंड फील दैट लव, जो लव हम सब फील कर रहे हैं इस पिक्चर देखने के बाद, एंड आई होप आपको प्यारी लगे, आपको अच्छी लगे, आप पूरी फैमिली के साथ जाइए, और हाँ, हैव द बेस्ट टाइम एट द सिनेमाज, और उससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं दे सकता कि कल रात को मैं पिक्चर बैठ के देख रही थी अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने नहीं देखी थी, और मैं बस लोगों की शक्लें देख रही थी, एंड लोग इतने खुश थे, और आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं देता। तो आई होप ये खुशी मैं ज़िंदगी भर आपको दे पाऊँ।